हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एग्जामिनेशन फॉर्म को रीप्रिंट कैसे किया जाता है, चाहे वो करेक्शन के बाद का हो, चाहे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में रेगुलर या प्राइवेट वालों का हो, चाहे यहाँ पर पीजी में यानी पोस्ट ग्रेजुएट में, प्रीवियस ईयर, फाइनल ईयर में रेगुलर या प्राइवेट वालों का हो, चाहे सिंगल सब्जेक्ट वालों का हो, चाहे एक्स स्टूडेंट वालों का हो, किसी का भी हो, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था, लेकिन उसी वीडियो पे कमेंट आ रहा था कि एग्जामिनेशन फॉर्म को रीप्रिंट कैसे किया जाता है अगर हमने करेक्शन किया है, चाहे हम फर्स्ट ईयर में हैं। तो इसलिए मैं इस वीडियो को दोबारा बना रहा हूँ, क्योंकि उस वीडियो में मैंने ऐसे नहीं कहा था कि आप करेक्शन के बाद भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन सेम लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन कमेंट आने के बाद मैं ये वीडियो फिर बना रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करें तो सबसे पहले आपको DDU के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ क्लिक करते ही आप यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है। फिर यहाँ पर लेफ्ट साइड में एग्जामिनेशन कैंपस का एक आइकन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक और नया पेज ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं। फिर आपको राइट साइड में जो दूसरा ऑप्शन मिल रहा है, इफ़ पेमेंट स्लैश प्रिंट आउट लेफ्ट स्लैश डुप्लीकेट, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। फिर एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म के वक्त फी भी पेमेंट किया है तो आप इसी लिंक से वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट में और बाकी जो बैक का होता है, इम्प्रूवमेंट का होता है, एक्स स्टूडेंट का होता है, उन लोग का भी फीस लगता है एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करते समय। तो अगर आप वो भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैसे डाउनलोड करना है मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टूडेंट कैटेगरी में सिलेक्ट करना है कि आप किससे हैं, रेगुलर से हैं, प्राइवेट से हैं, बैक से हैं, आर बैक से, सिंगल इम्प्रूवमेंट, एक्स स्टूडेंट, सिंगल सब्जेक्ट, ठीक है। आपको पहले सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पर दूसरे बॉक्स में, अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर है तो आप एप्लीकेशन नंबर डाल सकते हैं, ओल्ड रोल नंबर है तो ओल्ड रोल नंबर डाल सकते हैं, या फॉर्म नंबर डाल सकते हैं, या जो मोबाइल नंबर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म में डाला है वो डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आपके सामने होगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने फी भी पेमेंट किया तो उसका भी प्रिंट आउट उसी के साथ होगा, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि अगर हम करेक्शन के बाद वाले हैं तो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप रेगुलर से करेक्शन के लिए डाले हैं तो आप रेगुलर सिलेक्ट करेंगे, अगर आप प्राइवेट से करेक्शन फॉर्म डालें तो प्राइवेट, या मतलब इसमें से किसी भी टॉपिक से या किसी भी ऑप्शन से आपने करेक्शन फॉर्म डाला है तो वो वाले ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे वाले दूसरे वाले बॉक्स में अपना जो भी आपके पास है, मोबाइल नंबर, ओल्ड रोल नंबर, फॉर्म नंबर, एप्लीकेशन नंबर, आप यहाँ एंटर करेंगे दूसरे वाले बॉक्स में। फिर तीसरे वाले बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद सबमिट कर देंगे। आपका फॉर्म आपके सामने होगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिल चुका हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। साथ ही अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो यार चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो और हमें सपोर्ट करो। धन्यवाद।